हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी सो आज हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और एक चीज कहना चाहूंगी फॉर यू ऑल एज वी ऑल आर इंजीनियर्स तो जो हम क्वेश्चन करते हैं स्पेशली इन मैथमेटिक्स ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यानी कि समझ लो मैंने यहाँ पे कोई भी आपको सम ले लिया ऑन द बेसिसवन एक्स या साइन रेस टू सेवन थीटा के ले को लेके मैंने आपको कोई सम सिखाया तो जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज सम आपको एग्जाम में आएगा ऐसा हो सकता है कि वो आपको क्या पूछेंगे साइन सेवन साइन एट थीटा पूछ सकते साइन रेस टू नाइन थीटा पूछ सकते हैं लाइक डिपेंड करता है वेरिएशंस होते हैं बट सॉल्व करने का तरीका कॉन्सेप्ट जो होती है वो सारी चीजें सेम होती है फर्क कहाँ होता है सिर्फ सम्स में फर्क होता है थोड़ा बहुत ओके सो लेट स्टार्ट द सेशन मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सो प्लीज स्टे ट्यून विथ अस और देखते आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका जो पूरा सेशन है एक्चुअली पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वास्ट लेक्चर्स है वो भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा तो प्लीज आप वो भी जाके चेक कर सकते हो और यहाँ पे हम क्या करेंगे फार्मूलाज देखेंगे एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसे कवर करेंगे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे हमारा एक्स होता है रियल पार्ट और जो वाई होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट और आई की हमारी वैल्यू क्या होती है आई इज इक्वल रूट नहीं भी पता होगा बट वी नो ना नाव माइनस वन ये तो हमें पता है तो उसी हिसाब से हम हमारे आई की वैल्यू भी रेड्यूस कर देते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे Z से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई वैसे ही हमारा कॉन्जुगेट क्या होता है कॉन्जुगेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे z -bar से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये z -bar की वैल्यू क्या होगी x -iy. Please note one thing यहाँ पे कि हमारा जो रियल पार्ट का जो वैल्यू होता है ना वो चेंज नहीं होता सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यानी कि यहाँ पे अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जिकेट क्या होगा माइनस आई वाई होगा ओके okay? यानी कि सिर्फ चेंजेस कहाँ आने हमारे वाले टर्म में कहा आएंगे इमेजनरी पार्ट में आएंगे सो so, अगर किसी ने आपको पूछा थ्री प्लस फोर आय का कॉन्जुकेट क्या होगा तो आप क्या कहोगे थ्री माइनस फोर आए ओके नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फॉर्म्स हमारा जो uh, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम किस किस फॉर्म्स में लिखते हैं कार्टीजियन फॉर्म होता है पोलार फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है जिसे हम यूलर्स फॉर्म भी कहते हैं सो so ये तीनों फॉर्म हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली हम हमारे जेड को जैसे कि समझ लो मैंने आपको कार्टिजियन फॉर्म बोला तो कार्टीजियन फॉर्म की वैल्यू क्या होगी एक्स प्लस आई वाई क्या होगी एक्स प्लस आई वाई कार्टीजियन फॉर्म में और फिर हमारा पोलार फॉर्म जो है उसकी वैल्यू क्या होगी आर

टेन इन वर्स ऑफ वाई बाई एक्स और वो हमारा ग्राफ जो होता है वो होप्सो तो आप सबको पता होगा ज्यादा उसमें तो है नहीं हमें और हमारे जेड की वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आर इन टू रेस टू I क्या होगा R to I ये वाला जो फॉर्म है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम हमारा वाले देखते हैं तो वाला जो concept होगा वो हम नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे और अगर मैंने आपको कहा कि इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है z जो यहाँ पे तीनों फॉर्म्स दिए हैं आपको इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है यानी कि कहा चेंजेस होंगे सिर्फ और सिर्फ इमेजनरी पार्ट में यानी कि हमारा जो आई वाई है यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई है वो क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा वही प्रकार से हमारा जब हम पोलार फॉर्म लिखेंगे तो वहां पे हमारा जो आई साइन है वो क्या हो जाएगा

एक्चुअली हमारा डी मोवियर्स थियरम हमें कहता है कि अगर समझ लो इफ आई मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दी तो इसे सॉल्व करते करते हमारी नानी हमें याद आ जाती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारा काम येजी कर दिया डी मोवियर्स थियरम यानी कि उसे हम मैं स्पेशली उसे ऐसे लिखना पसंद करूंगी तो आप समझ जाना तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास कॉस एन थीटा यहाँ पे जो हमारा थीटा था पावर था एन तो हम क्या करते हैं उसे हम अंदर ले लेते ले हैं और वो क्या हो जाता है थीटा प्लस थीटा. तो रहेगा, बस हमारे साथ थीटा के साथ क्या लगेगा एन की वैल्यू लग जाएगी जैसे कि समझ लो अगर मैंने यहां पे लिखा कॉस थीटा प्लस आई साइड थीटा रेस टू थ्री अगर मैंने आपको कहा रेस टू थ्री है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थ्री थीटा कॉस थ्री थीटा प्लस आई साइड थ्री थीटा यानी हमने क्या कर दी सिर्फ n की वैल्यू डाल दी इसी प्रकार वो आपको कुछ भी कह सकते हैं n uh, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है n माइनस वन हो सकती है लाइक like, डिपेंड्स ना उन्होंने आपको किस फॉर्म में पूछा है ये हो गया हमारा डी मॉवेस थ्योरम अब डी मॉवेस थ्योरम हमें एक कोरोलरी भी देता है वो कोरोलरी एक्चुअली क्या कहती है सॉरी वो कहती है अगर समझ लो हमारे पास वन सेकेंड अगर मेरे पास ये चीज है अपॉन में यानी वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन ये फॉर्मेट में है तो जब हमें पता है ये डिनोमिनेटर है हम इसे न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू माइनस जब ये रेस टू माइनस हो जाएगा वापस आप डी बॉबेस लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस कॉस एन थीटा ना बट हमें पता है हमारा जो है उसका नेगेटिव एंगल भी हमेशा पॉजिटिव होता है कि माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है कॉस थीटा ही आती है यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते तो हम क्या करेंगे इसे डिरेक्टली लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन एन थीटा माइनस एन थीटा साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा होता है तो यानी कि ये माइनस साइन हमारी बाहर आ जाएगी और ये हमें क्या मिल जाएगा माइनस थीटा हो जाएगा यानी कि अगर आपको किसी ने पूछा वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू थ्री की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगी कॉस थ्री थीटा माइनस आई साइन थ्री थीटा हो जाएगी ये हो गया हमारा डीमोविस थ्योरम इसके ऊपर हमारे पास एक सम है छोटा सा ये हमारा फॉर्मूला है जो जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये नोट्स आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे काफी चीजें आपको डायरेक्टली शॉर्ट में मिल जाएंगे यहाँ पे अब हम देखते हैं एक सम इधर सम इसके लेना क्योंकि सम इज इस... जस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एप्लीकेशन इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है न, तो इस फॉर्मैट वाले ही क्वेश्चन रीड करते हैं इफ अल्फा बीटा इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है रूट है हमारे इक्वेशन के कौन सा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो ये हमारे पास इक्वेशन है पावर कितनी है टू है यानी पावर टू यानी कि बताया है? अल्फा एंड बीटा यानी ने करना पड़ेगा अल्फा एंड बीटा इतना तो समझ में आ गया प्रूव दैट इन्होंने आपको कहा है एक चीज प्रूव करनी है दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो यानी कि ये जो दो रूट्स आएंगे इनका क्यूब ये दो रूट्स के क्यूब को प्लस करके आपको वैल्यू मिलनी चाहिए जीरो आपको मिल रही है क्या ये वैल्यू एक्चुअली इन्होंने पूछा है कि अगर आप इन दोनों का क्यूब करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी जीरो क्या अब इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आ सकता है आपको यानी कि चेंजेस कहा होंगे ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे चेंजेस जैसे कि समझ लो एक साल आया था एक्सक्वाइनस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो Prove that l आते हैं, ज़्यादा changes नहीं आते। Equation में changes कर देंगे हमारे प्रूफ that में changes कर देंगे but सब solve करने का तरीका exactly same रहता है So देखते हैं हम कैसे हमें ये actually सब solve करना है हमें question क्या दिया था x square माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अब ये बीच वाला जो हमारा टर्म है ये रूट में, है, तो इसके फैक्टर्स निकालने में थोड़ी सी हमें तो तो करने के लिए एक तरीका है दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अद रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए राइट अब हमें क्या करना है इसमें से बी की वैल्यू क्या होगी माइनस टू रूट थ्री हमारी बी की वैल्यू होगी हमारा ए क्या होगा यहाँ पे ए वन है हमारा तो ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. सी क्या है हमारा यहाँ पे फोर है कैसे कंपेयर किया? शायद आपको का फॉर्मेट for, uh, याद हो, उसका इक्वेशन हमारा ऐसा होता था तो इससे कंपेयर करके हमें हमारे वैल्यूज मिल जाएंगे प्लस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फोर राइट और हमारे पास दीजिए क्या है टू ए की वैल्यू क्या है वन आगे बढ़ते हैं तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये क्या बचा हमारे पास टू रूट थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अब नेगेटिव टर्म है उसका स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा अब टू रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा टू रूट थ्री यानी टू इंटू टू कितना होगा फोर रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होगा थ्री होता है तो थ्री इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा ट्वेल्व माइनस फोर इंटू वन फोर फोर इंटू फोर सिक्सटीन अपॉन टू

आपको इस फॉर्मेट में आंसर मिल रहा है लेकिन अगर आपको एक्स की वैल्यू इससे आपको दो वैल्यू मिल रही है एंड क्या मिल रही है आपका अल्फा हो जाएगा रूट थ्री माइनस आए आपका बीटा हो जाएगा लेकिन अभी आयोटा है यहाँ पे आई वाला टर्म है वाला टर्म है इट्स नॉट दैट इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विध कार्टीजन फॉर्माराटीजन फॉर्म है, है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में तो हम क्या करते हैं इसे पोलार फॉर्म में है लिखते हैं अब हमारा पोलार फॉर्म क्या कहता है प्लेट में से ये किस फॉर्मेट में है x iy हमारा पोलर फॉर्म क्या कहता है हमें r cos थीटा प्लस या माइनस सॉरी प्लस i sin ओ आई sin थीटा ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म कहता है अब हमें क्या करना पड़ेगा r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी r की वैल्यू क्या होगी x plus, uh, x x2 y2 अंडर रूट होगी

रूट थ्री को निकालना कॉस्थिटा के फॉर्म इट्स नॉट लाइक खाने की चीज नहीं और हमें फिर यहाँ पे टू भी एडजस्ट करना है सो लेट इज डू वन थिंग हमारे पास ये चीज है ना अभी तो इसे फॉर्म में लिखने के लिए लेट राइट इट पल आर फॉर्म में लिखने के लिए और अगर हमने ये टू को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने क्या किया हमारा जो ये फॉर्मेट था इसमें टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमें हमारा आर भी सैटिस्फाइड दिख रहा है हमें हमारा जब कॉस थर्टी डिग्री होता है तब रूट रूट थ्री बाय टू की वैल्यू होती है और जब हमारा साइन थर्टी डिग्री होता है तब हमें वन बाई टू की वैल्यू मिलती है इनडायरेक्टली हम हमारे ओरिजिनल फॉर्म में इसे लिख पाएंगे अब तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू टू कॉस फाइव बाई सिक्स प्लस माइनस आई साइन सिक्स हमने इसे पोल फॉर्म में भी लिख दिया और हमारा टू भी एडजस्ट हो गया आर की वैल्यू भी मिल गई इससे अब हम क्या कर सकेंगे हमारे दो रूट्स हमें मिलेंगे जो इसके एक्चुअली दो रूट्स है ना वो हमें मिल जाएंगे कैसे मिलेंगे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव वाला पार्ट होगा यानी कि एक को हम नाम दे देते उनके हिसाब से उनको चाहिए प्लस आई साइन फाइव बाय सिक्स और दूसरा रूट हमें क्या मिल रहा है बीटा उसे हम क्या नाम दे रहे हैं प्यारा सा बीटा टू कस फाइव बाई स दूसरा रूट कौन सा है हमारा माइनस वाला है आई साइन फाइव बाई सिक्स आज सिंपल आई स्टार्ट लेकिन उन्होंने हमें प्रूव करने क्या कहा है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो टर्म का क्यूब अगेन टू क्यूब एंड ये पूरे टर्म का क्यूब तो तो इसे हम डिरेक्टली इस फॉर्मेट में लिखते हैं ये जीरो प्रूव करना था इसे लिखा था इज इक्वल टू मैं इसमें से टू कॉमन ले सकती हूँ टू क्यूब जो है हमारा इन दोनों में कॉमन है सो आई कैन टेक इट कॉमन तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाय सिक्स प्लस आई साइन पाई बाय सिक्स का क्यूब प्लस इन दोनों के बीच में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉस पाई बाय सिक्स माइनस आई साइन पाई बाय सिक्स का क्यूब अब मुझे बताओ इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे इज दिस लुकिंग इन द फॉर्मेट ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन रेज टू एन थ्योरम के फॉर्मेट में हमें ये दिखाई दे रहा है यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जब आप लिखोगे थ्योरम, आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी ये जो थ्री है, ये जो है, हमारा कैसे हो जाएगा कॉस एन थीटा ना थीटा पाई बाय सिक्स है थ्री को आपको अंदर लेना है तो ये क्या होगा हमारे पास टू क्यूब और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस थ्री पाई बाय सिक्स

और ये हमारा पाई बाय टू हो जाएगा राइट right? अब पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा होगा इमेजिनरी पार्ट तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके पास क्या बचा अब टू क्यूब इन दोनों का एडिशन है दैट इज टू कॉस पाई बाय टू अब मुझे बताओ कॉस पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है ना जब टेबल बनाते हो कॉस के लिए तो कॉस फाइव बाय टू पे क्या होता है जीरो होता है और अगर कॉस फाइव बाय टू पे जीरो है तो टू क्यू इंटू टू इंटू, इंटू जीरो कितना होगा जीरो होगा इनडायरेक्टली आपने इजीली यह पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो आपका प्रूफ हो गया है अब मुझे बताओ अभी सम सॉल्व कर सकते हो अगर मैंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में कोई भी सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन किया जैसे कि मैंने यहाँ पे एन सॉरी अल्फा रेस टू एन कर दिया मीटर रेस टू एन कर दिया तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या अफकोर्स कर पाओगे क्यों क्योंकि आपको वहां पे क्यूब था यहाँ पे आपको पावर एन है And, अंदर क्या लोगे एन पाई बाई सिक्स हो जाता बस इतना ही फर्क है ज्यादा कोई फर्क नहीं है इसके अंदर और अगर समझ लो मैंने यहाँ पे टू क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो वाला कटराटिक इक्वेशन दिया होता आई थिंको दिख नहीं रहा होगा ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दिया होता तो आप सॉल्व कर पाते क्या ऑफ कोर्स कर पाते अगेन आपको इसके दो रूट्स मिलते हैं दो रूट्स को आपको क्या करना पड़ेगा जो भी दो रूट्स मिलेंगे आप उसके साथ ऑपरेट करो जो भी आपको यहाँ पे बोला गया समझ लो मैंने आपको कहा अल्फा रेस टू एन अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन माइनस वन इसके साथ आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना था कर सकते हैं इजी है स्टेप्स से

sine n theta again we are going to consider here some value of n that means it can be 7 if it is 7 then it will be sine 7 theta cos 7 theta if it is 6 then it will be sine 6 theta or cos 6 theta it totally depends upon our value of n

तो आपको अगर इसके ऊपर बाय लगाना है तो आप कैसे करोगे थोड़ा सा टफ हो जाता है बोलोगे मैम इसके ऊपर बाय कैसे लगाएंगे बहुत इजी होता है हमारा पी ये पी होगा ये क्यू होगा ये होगा फिर हमें हमारे कुछ सी की वैल्यूज होती है बताती हुई कैसे होता है पता है एन सी जीरो सी की जो वैल्यू है ना ये हमारा पास्कल ट्राइंगल है देखो खूब खुबसो आपको याद होगा पास्कल स्ट्राइंगल हमारा उससे आती है तो ये एन सी जीरो तब तक हम हाँ मूव करेंगे यहाँ पे अगर मेरी वैल्यू एन है तब तक हम हाँ मूव करेंगे जब तक एन सी एन नहीं हो जाता जैसे कि यहाँ पे समझ लो मेरे पास एन इज इक्वल्स टू फाइव था तो जीरो वन टू थ्री फोर एन फाइव एन सी फाइव यानी फाइव सी फाइव तक जब तक मैं नहीं आ जाऊंगी तब तक मुझे प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट टर्म हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसकी हम लेते हैं एन की वैल्यू यानी कि कॉस रेस टू एन थीटा हम यहाँ पे लेते हैं एन की वैल्यू जैसे यहाँ पे फाइव है तो ये क्या होगा कॉस रेस टू फाइव थीटा नेक्स्ट टर्म के साथ तो हो जाएगा एनीथिंग रेस टू इज वन तो इस प्रकार से हमारा कॉस की जो वैल्यू है वो हाइएस्ट रहेगी एंड देन धीरे 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 करके जीरो हो जाएगी ओके तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचेगा कॉस रेस टू जीरो थीटा एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन सो वी कैन इग्नोर दिस टर्म यहाँ पे तो वन ही हो जाना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट टर्म हो हमारे पास आईसाइन थीटा आई साइन को आप कैसे लिखोगे तो सबसे पहले होगा हमारा थीटा थीटा की हमारे हम लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू पहले यानी कि नाउ एनीथिंग रेज टू इज अगेन वन तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ हमारा ये टर्म नहीं दिखाई देगा लेकिन जीरो था जीरो के बाद हम इंक्रीज करते जाएंगे इंक्रीज करते जाएंगे टिल द मूवमेंट वी रीच टू आई साइन थीटा रेज टू एन कहां तक जाएंगे आई साइन थीटा रेस टू एन यानी कि आई रेस टू एन साइन रेस टू एन थीटा इस फॉर्मेट में हमारा आंसर मिल जाएगा और यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो इसका जर्नल एक लिख देती हूँ तो cos वन टू एन माइनस वन थीटा आई साइन थीटा रेस टू वन नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है एनसी टू अगेन वन था तो टू हो गया नेक्स्ट आएगा एन माइनस टू दो से डिक्रीज कर रहे हो आप नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास आई साइन थीटा रेस टू टू तो इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं इंक्रीज करते जाते हैं कॉस को डिक्रीज करते जाते हैं एंड हमारा इसकी वैल्यू भी हम लास्ट तक तो लेके जाते हैं सो लेट अस सी वन सम ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आपको ये तो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मेट है है ये यहाँ है ये ये जो पे पे लिखा ना आपको शायद समझ में नहीं आएगा ये देखो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो जब हम सम सॉल्व करेंगे जब हम इक्वेट करेंगे चीजों को तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ओके तो मैं इसे यहीं पे रहने देती हूँ जहां तक समझाया पहले वहां तक अंडरस्टैंड करके ले लो ये हमारा कंपेयर करके दोनों को हम क्या करते बताती ये हमारा डिमोवे थ्योरम का राइट हैंड साइड था लेफ्ट हैंड साइड था यह हमारा बी टी यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड था अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों का तो हम क्या कर सकते हैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं यू कैन इक्वेट दैट थिंग तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेग्रीगेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस एल थीटा की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल्स टू जब जब हमारा ये इवन होता है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे जीरो है फिर टू है फिर यहाँ पे फोर होगा फिर फाइव होगा होगा तो इवन वाले टर्म्स हमारे रियल वाले पार्ट में आते हैं और ऑड वाले टर्म्स हमारे, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारे टर्म्स हमारे हमारे जैसे ये सारे आते हैं साइन के अंदर और यहाँ पे हम क्या लेते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेते हैं पहले प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस प्रकार से हम साइन लेते जाते हैं ये आपको समझेगा सम्स के साथ और हम एक सम ले रहे हैं छोटो सा प्यारा सा छोटो सा तो नहीं है ये हमारा एक पर्टिकुलर सम है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यूज डी मोवियस थियरम टू प्रूफ डी थ्योरम बोला है लेकिन आपको यहाँ पे किस फॉर्मेट में ये टैन वाला क्वेश्चन है बट स्टिल सेम ही रहेगा ना यार फर्क तो पड़ेगा तो हमारे पास क्या दिया है इन्होंने टैन एन थीटा वाला फॉर्मेट है ये लेकिन यहाँ पे एन थीटा है तो अगे ऑलवेज रिमेंबर जब भी एन थीटा होगा थीटा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा डी मॉविस थियोरम प्लस बायोनोमल थियोरम को यूज करना है ओके एक और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे कुछ और चीज है जैसे कि टैन रेस टू थीटा टैन रेस टू एन थीटा इस फॉर्मेट में है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना जब हमारे पास

तो अब बट हमें ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है टैन क्या होता है साइन बाय कॉस होता है आपको यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू तो मिल रही थी टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं आप आराम से निकाल सकते हो क्या होगा कॉस सॉरी आपका टैन फाइव थीटा क्या होगा साइन फाइव थीटा डिवाइडेड बाय कॉस फाइव थीटा राइट तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस फाइव अब आपको यहां पे क्या निकालना पड़ेगा इनडिरेक्टली वो कह रहे हैं कि साइन साइन की वैल्यू निकालो जब हमारा एन क्या है फाइव एन की वैल्यू हमें मिल गई फाइव वन कर सके एन की वैल्यू क्या मिली हमें फाइव मिली तो हमें अगर एन की वैल्यू फाइव मिली है और हमें सॉल्व करने बोला है यानी डी मोवे थ्योरम आप किस पे लगाओगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू फाइव एन की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है फाइव तो हम इसे ले लेंगे और ये हमारा हो जाएगा बाय डी थ्योरम डी डिमोवे थ्योरम इसके ऊपर लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस फाइव थीटा प्लस आई साइन फाइव थीटा हो जाएगा आज सिंपल एस डेट अब हमें क्या करना है इसके ऊपर हमें लगाना है हमारा बी टी दैट मीनस बाइनोमियल नॉर्मल बाइनोमियल थियरब लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है तो हम क्या करेंगे उसे इजी वे में एक ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे ट्रिक ऐसी है ना वो काफी अच्छी ट्रिक है बट कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं ट्रिक को लेके बट करना पड़ेगा चाहे आप जैसे सॉल्व करो हमने क्या कहा था सी है हमारा एन सी जीरो इस फॉर्मेट में होता है एन की वैल्यू क्या है फाइव है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे

होप आ रहा है एक से डिक्रीज हो रहा है एक पार्ट और एक से इंक्रीज हो रहा है दूसरा पार्ट नेक्स्ट सी फोर प्लस टू जीरो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम हमारा एक से इंक्रीज होके आई साइन टू फाइव हो गया एज सिंपल एस दैट अब हमें यहाँ पे क्या है ये वाला जो है वैल्यू सी वाली जो वैल्यू है यह हमें मिलेगी हमारे पास्कल ट्राइंगल से तो मैं पास्कल स्ट्राइंगल क्या है एक्चुअली आपको बता देती हूँ और ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी ध्यान में रखनी पड़ेगी ओके okay? तो सी होता है हमारा पास्कल ट्राइंगल एक्चुअली ऐसे दिखता है ये कुछ ट्राइंगल के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा मेरा एडजस्टमेंट खराब हो गया यहाँ पे इसके लिए हम इसे ट्राइंगल ऐसा कहते हैं सो इसमें एक्चुअली है क्या पता है कुछ नहीं वो सी की जो वैल्यूज है ना वो हमें लेनी पड़ती है जैसे कि यहाँ पे हमारा एन ये हमारा एन एस इक्वल्स टू सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ऐसा ये ट्राइंगल है जब हमारा एन की वैल्यू अभी फिलहाल हमारे एन की वैल्यू क्या है फाइव है यानी कि ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है ना आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन को हमें रिसीव करना पड़ेगा सच दैट सच दैट हमारा ये होगा सी फाइव वन ये होगा फाइव सी टू ये होगा फाइव सी थ्री ये होगा फाइव सी फोर वन टू थ्री फोर वन से कल कर दिया जीरो से स्टार्ट होगा सॉरी 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 जीरो से ना हमारी वैल्यूज है सॉरी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ये जीरो वन टू थ्री ये होगा फाइव सी फोर एंड ये होगा फाइव सी फाइव की वैल्यू ये पूरा ट्राइंगल ना आपको याद रखना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर तो ये सारे वैल्यूज हमें ध्यान रखने कैसे ध्यान रखते हैं इसका भी ट्रिक है आप इतना टर्म याद रखो बाकी का एज इट इज सेम है देखो पीछे एज इट इज सेम है फिर से आप इतना टर्म याद रखो ट्वेंटी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो इवन नंबर है हमारा तो एक टर्म ज़्यादा होगा एंड देन ये हमारा सेम एज इट इज़ पार्ट ये या फोर में भी देखो इतना टर्म याद रखो फिर सिक्स इवन है ना वो तो फिर सिक्स हमारे पास एक बीच का टर्म याद रखना पड़ेगा एंड देन फोर एंड वन तो ये ट्राइंगल है काफी इजी आपको याद रखना पड़ेगा अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं वन फाइव टेन टन फाइव वन लेट मूव इन आर क्वेश्चन अब मैं डायरेक्टली मॉडिफिकेशन करूं तो समझ में नहीं आएगा इसके लिए हम क्या करते हैं एक स्टेप बढ़ा लेते जाने दो नेक्स्ट फाइव सी जीरो इज वन ये क्या हो जाएगा कॉस कॉस रेस टू फाइव थीटा नेक्स्ट प्लस फाइव है फाइव सी वन की वैल्यू कॉस रेस टू फोर थीटा आई साइन थीटा ओके नेक्स्ट प्लस

नेक्स्ट आगे बढ़ते हो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास फाइव सी कि अगेन इट्स वैल्यू इज थीटा थीटा की वैल्यू है क्या आपके पास ऑफ कोर्स है क्यूब को आप कैसे लिख सकोगे आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकोगे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन माइनस वन इंटू आई कितना होगा माइनस ऑफ आई होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ऑफ आई तो माइनस को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे क्या आएगा आई साइन साइन के साथ क्या है पावर हमारा

पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो सिंपल था ये नेक्स्ट टर्म क्या है वैल्यू आई रेस टू फाइव की कैसे निकालोगे आई रेस टू फोर इन टू आई 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 रेस टू फोर की वैल्यू कितनी मिली वन वन इन टू आई विल बी सॉरी तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पॉजिटिव आय साइन रेस टू फाइव थीटा ये हो गई हमारी वैल्यू ना व्हाट यू कैन डू इज ना एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो सॉरी अब आप नोटिस करोगे तो ये वाला जो हमारा टर्म है ये टोटली रियल है क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है ये वाला जो टर्म है इसमें एक आय आर आय यानी कि ये इमेजनरी है यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक भी आय नहीं है यानी ये रियल है यहाँ पे एक आय है तो ये हमारा इमेजनरी है ये रियल है ये

नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट जो है हर एक टर्म के साथ एक ही आए है तो हम क्या कर सकते हैं पॉजिटिव आई को हम कॉमन निकाल लेते हैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं कॉमन निकाल रहे हो, बाकी सारे टर्म्स को ऐसे ही लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस रेस टू साइन थीटा नेक्स्ट टर्म क्या है इमेजिनरी ये माइनस टेन कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन रेस टू

हमने इक्वेट किया कंफ्यूज मत होना वी हैव जस्ट इक्वेटेड डीमोवियस थियरम का राइट हैंड साइड और बी का राइट हैंड साइड तो जब आप इसे इक, इक्वेट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस फाइव थीटा की वैल्यू आप इससे इक्वलाइज एकुल, कर सकते हो और हमारा जो आय था वो एज इट इज दिखाई दे रहा है और हम इसे इक्वेट कर सकते हैं क्यों किया वन uh, सेकेंड जब आप इस प्रकार से कोई सम देखते थे आप जब अल्जबरा सॉल्व करते हो तो इस प्रकार से जब कोई सम देखते थे तो आप डायरेक्टली लिखते थे ना एज इक्वल्स टू थ्री बी इज इक्वल्स टू थ्री लिखते थे ना कंपेयर करके आपको समझ में आता था, था दोनों साइड को कंपेयर करके e 3 है हमारा B 3 है, वही सेम चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं और इससे हमें क्या चाहिए टेन फाइव थीटा चाहिए टेन फाइव थीटा यानी कि साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस फाइव थीटा तो मैं ना एक स्टेप कम करके डायरेक्टली डिवाइड कर सकती हूँ इसके लिए मैं यहाँ पे पहले साइन फाइव थीटा की वैल्यू लिख रही हूँ जो कि है कॉस टू फोर थीटा डिवाइड uh -oh, मैं अभी नहीं लिख सकती आ, हमारा नेक्स्ट रियल पार्ट की वैल्यू क्या है हो सकता है कि मैं थोड़ा घाई में लिख रही हूँ इसके लिए आपको मेरी समझ में न आए हो सकता है बट पास लिखने का हमें क्या करना पड़ेगा ये दोनों जो मिली है, इने exactly करनी पड़ेगी अब डिवाइड कर दिया लेकिन डिवाइड करने से हमें हमारा आंसर नहीं मिल रहा था देखो ये हमें फॉर्मेट में चाहिए आंसर नहीं मिल रहा टेन है यहाँ पे हमारा जो एक्चुअली क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ साइन और कॉज के बीच में हम खेल रहे हैं डोंट वांट दिस तो हम जज कैसे करेंगे कि जज करना is much more simpler. यहां पे देखो, ये आपको वन दिखाई दे रहा है ये वन अचीव करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा यानी कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए one चाहिए। तो वन कब मिलेगा यहाँ पे वन कब मिलेगा जब आप पूरे टर्म को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे विथ कॉस रेस टू फाइव थीटा इससे कॉस रेस टू फाइव थीटा से आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा तो लेट इज राइट वन स्टेटमेंट डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है थीटा हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पे यहां पे हमारा कॉस फाइव थीटा मिल रहा है अब हमें क्या करना है पूरे टर्म को डिवाइड करना है तो पे क्या है कॉसरेस टू फोर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय आपको क्या मिल रहा है थीटा अब आप इसे डिवाइड करोगे कैसे करोगे तो लेट अस डू वन थिंग ये थीटा को सेग्रीगेट करते हैं सच दैट कॉसरेस टू फोर थीटा एक हो जाएगा और नेक्स्ट बचेगा हमारे पास कॉस थीटा तो कॉसरेस टू फोर थीटा कॉसरेस टू फोर थीटा गेट्स कैंसल बचा क्या फाइव साइन थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल्स टू फाइव टेन थीटा इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए इसे हम कैसे लिख रहे हैं कॉस रेस टू फोर थीटा इन कॉस थीटा लिख रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे बचा क्या साइन अपॉन कॉस बचा वही चीज है यही चीज हम सारी जगह पे करने वाले हैं ओके okay? तो मैं इसे डायरेक्टली उड़ा दू अच्छे से लिख दू तो हमें यहाँ पे क्या मिला फाइव टेन फाइव थीटा सॉरी फाइव टेन थीटा सॉरी यार नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा अगेन टू थीटा से इसे डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या करो फाइव से ना इसको डिवाइड अलग अलग कर दो कॉस स्क्वायर थीटा में और कॉस क्यूब थीटा में तो फिर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बचा क्या साइन क्यूब थीटा अपॉन टेन साइन क्यूब थीटा अपॉन ऑन कॉस क्यूब थीटा कितना होता है टेन क्यूब थीटा होता है तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा इजिली क्यूब थीटा ओके नेक्स्ट टर्म प्लस थीटा थीटा इधर आप कुछ कर सकते हो क्या नहीं लेकिन डिनोमिनेटर क्या था आपने इससे डिवाइड किया इसके लिए तो किया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन हो जाएगा नेक्स्ट टर्म माइनस टेन कॉस ट्यूब थीटा स्क्वायर थीटा हमारे पास है हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो तो प्लस यही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे और दूसरा टर्म क्या बचेगा हमारे पास साइन कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या साइन रेस टू फोर थीटा अपॉन कॉस रेस टू फोर थीटा यानी कि पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव 5, to 4 theta. अब आप देखोगे, ये देखो और ये देखो. है. Exactly और ये हमारा पर्टिकुलर थिंग एग्जैक्टली सेम है यानी कि वी हैव द फॉलोइंग थिंग काफी इजी था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी भी था तो ये आपको समझ में So, आ गया है ओके okay? अब यहां पे आप नोटिस करोगे पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो 2018 में आपको ये भी प्रूफ करने को पूछा गया था एट सा लंदी होता है तो ये भी आपको प्रूफ करने को पूछा था तो जब आप नोटिस करोगे यहाँ पे ध्यान से तो ये देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर देखो और ये वाला पर्टिकुलर टर्म देखो एक्सैक्टली सेम दिखाई देगा सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया है पॉजिटिव फाइव टाइम्स यहाँ लिखा है इसे यहां और ये हमारा पॉजिटिव बन को इन्होंने यहाँ पे लिखा है ओके okay? यानी कि इन्होंने बोला है आपको प्रूफ करने के लिए आपका डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए क्या होना चाहिए जीरो है क्या चेक करो या जीरो दिखा दो उसे ओके okay? तो अब ये जीरो दिखाने के लिए आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इन्होंने क्या सब्सटीट्यूट की, पा, की, की है पाई बाय टेन सब्सटीट्यूट किया है कितनी सब्सटीट्यूट किया है पाई बाय टेन इनडायरेक्टली हमारी थीटा की वैल्यू क्या है पाई टेन है यानी कि की, की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन थीटा की वैल्यू फाइव पाई, पाई बाई टेन यानी कि वन टू यानी कि टेन पाई बाई टू टेन नाइनटी डिग्री पे की वैल्यू क्या होती है इंफिनिटी या फिर आप नॉट डिफाइन बोलो चाहे जो बोलो तो यानी कि हमारा टैन पाई बाई टू पे क्या है इन्फिनिटी है ये सिचुएशन कब पॉसिबल होगी यहाँ पे इन्फिनिटी अगर आ, लाने का है आपको तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल होगी जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड अब समझ में आया एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा तब जाके हमारा टैन फाइव थीटा की वैल्यू जो है वो इंफिनिटी होगी ओके हेंस यू हैव प्रूव्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हमारा ये क्या है जीरो है जब हमने थीटा की वैल्यू पाई बाय 10 सब्स्टिट्यूट की ओके okay? ये था हमारा सम अब यही सम यही सम मैंने आपको कहा था पैटर्न सेम होते हैं क्वेश्चंस के राइट right? तो यही सम कुछ एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत एक बार पूछा गया था यही सम यहां पे देखो टा को पूछा इन्होंने मैंने जो सम सॉल्व किया वो टैन फाइव सीटा के लिए था इन्होंने जो पूछा था आई थिंक थिंग में या 2019 में पूछा था आई एम नॉट एक्सैक्टली रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट ही है मैंने लिखा था बस कि आप ट्राई करो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो यहाँ पे आपको क्या करना है टैन सेवन थीटा कैन यू डू दिसकोर्स यू कैन डू य बहुत ईजी है जैसे हमने वहां पे टैन फाइव थीटा के लिए निकाला दैट इज साइन फाइव थीटा अपॉन कॉस फाइव थीटा वही चीज आपको यहाँ पे करनी है टैन सेवन थीटा क्या होगा साइन सेवन थीटा अपॉन कॉस सेवन थीटा और हमारा एन की वैल्यू क्या होगी वहां पे

ये वन को एडजस्ट कर दोगे तो अपने आप आपको ये सारी चीजें दिखाई दे देंगी अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये जो है ना सेवन थर्टी हमारे पास्कल्स में थी हमारे 7 के लिए था, 1, 7, 21, 35, 35, 21, हमारे ये था तो वही चीजें बस रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करते, करते बहुत ध्यान देना ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये भी हमारा प्रूव दैट साइंस सिक्स थीटा अपॉन साइंस

जैसे z की यही समझ लो z लिखा है z इन दोनों के बीच में ऑपरेशन किए सच दैट मैंने क्या किया एडिशन किया और सप्रैक्शन किया यानी कि मैंने किया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स किया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स किया यानी कि थीटा प्लस आईसाइन थीटा प्लस थीटा माइनस आई साइन ऑलराइट? तो यहाँ पे आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा इसे ना हमें यूज करना एक्सपानशन वाले फॉर्म में प्लीज ध्यान देना इस चीज का ओके और मैंने इन दोनों के बीच में अगर सब किया वन अपॉन एक्स किया तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस की साइन होती है तो हमारे ब्रैकेट के अंदर की जब हम ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस् थीटा प्लस साइन थीटा ओके यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो थीटा कॉस्टा थीटा पॉजिटिव नेगेटिव है बचा के आपके पास साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि टू सॉरी आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी कि टू आई साइन थीटा बचा यानी कि जब हम करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स तो हमें क्या मिलेगा टू आई साइन थीटा मिलेगा यही सेम चीज समझो इफ मैं लिख रही हूं रेस टू एन रेस टू एन एक्स की वैल्यू क्या थी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अब मैं आपको क्या कह रही हूं डू रेस 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 टू 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 का uh, यानी कि ये टर्म थ्योरम लगाओ थ्योरम जैसा दिख रहा है ना तो रेस टू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इसको आप थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इसे मैं रही हूँ अगर मैंने आपको कहा वन अपॉन एक्स रेस टू एन निकालो यानी कि वन यानी कि इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या होगा x रेस टू माइनस एन मैंने x रेस टू माइनस एन को लेके डिमोवेस थ्योरम बताया था ना उसकी कोरोलरी वो क्या होती है कॉस एन थीटा i आई n एन थीटा राइट अब मैं वापस से इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन एन थीटा इमेजनरी पार्ट कैंसिल बचा क्या कॉस एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा यानी कि टू कॉस एन थीटा ये हो जाएगा हमारा एक्स रेस रेस टू टू एन एन प्लस वन की वैल्यू और अगर मैंने इन दोनों के बीच में सब फ्रैक्शन परफॉर्म कर दिया तो हमें क्या मिलेगा तो हमें मिलेगा कॉस्थीटा प्लस कॉस एन थीटा सॉरी प्लस आई साइन एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा क्योंकि माइनस की साइन है ना तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे जब आप अब सम सम सॉल्व करोगे फॉर सम किसके लिए सॉल्व करते हैं पहले वो देख लेते भूल गई बताना साइन एन थीटा लिख रहे हो ना यानी कि एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है समझ लो मैंने आपको कहा सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन साइन रेस टू सेवन थीटा मैंने आपको कहा सॉल्व द क्वेश्चन फॉर दिस सॉल्व करने के लिए हमें ये जो चार चीजें लिखी है ना इनके साथ सम सॉल्व करना पड़ेगा और हमें फिर पावर्स लेने पड़ेंगे एंड हम सॉल्व कर सकेंगे तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप जजमेंट ले सकते हो ना पावर कितनी है पावर जा रही है पहले हमने पढ़ा था वो साइंस सेवन थीटा इस फॉर्मेट पर पढ़ा था अब जो हम पढ़ेंगे वो साइन रेज टू सेवन थीटा होगा क्या होगा रेज टू सेवन थीटा और उसे हम किससे सॉल्व करेंगे ये जो चार हमने अभी जस्ट देखे उससे हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला क्या है मेरे नोट से एक बार देख लेते हैं ताकि इजीली समझ में आए ये वाला एक होगा हम जो यूज करेंगे और दूसरा है ये वाला ये नोट आपको तो मिल जाएंगे डोंट वरी फॉर दैट देने के लिए बनाया क्योंकि पहले वाले जो मेरे नोट्स थे ना वो अनफॉर्चुनेटली खो गए खो नहीं गए डिलीट हो गए तो ये वाला जो हमारा है वो आपको मिल जाएगा और बाकी जो भी आपको नेसेसरी थिंग्स है कि मैम हमें ये भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करना वो भी आपको मिल जाएगा ओके दे दूंगी अब हम करेंगे सम बिकॉज सम इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भी सम सेम चीज अगर मैं आपको साइन रेस्ट टू सेवन थीटा बता रही हूं तो अगर साइन रेस टू फाइव थीटा आएगा तो आप सॉल्व कर सकोगे क्योंकि सेम ही चीजें से पावर की वैल्यू चेंज हो रही है ओके सो लेट अस हैव वन क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैं बेसिक क्वेश्चन नहीं ले रही अगर आपको बेसिक क्वेश्चन देखना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो वहां पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सॉल्व किया है तो वो वाला भी चेक कर लो वहां पे आपको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट मिलेगा आज जो मैं सम ले रही हूँ वो भी काफी अच्छा सम है सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर सम ये है वो सम जो कि भाई साहब देखो कितने साल आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसके बाद भी कभी आया होगा हो सकता है तो ये वाला क्वेश्चन क्या है है देखो रेज टु रेज टु के फॉर्मेट में आ रहा है. इक्वल्स टू वन पॉइंट एट थ्री कॉस फोर थीटा प्लस फाइव ये सब इतना इजी नहीं है जितना आप इसे देख के समझ रहे हो तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग हमें क्या चाहिए Raise to theta. क्या चाहिए चाहिए तो 6 ला के लिए हमें एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी सिक्स लेनी पड़ेगी और तो अब हमें क्या चाहिए चाहिए मैंने आपको जो चीज बताई यहाँ पे वो हमने क्या किया raise to and raise to, तो हमें क्या चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे जो हमने सबसे पहले किया था ना ये वाले जो फॉर्मेट्स के हमने किए थे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाला तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो ये पर्टिकुलर टर्म को अगर टू पावर सिक्स कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा टू रेस रेस टू सिक्स इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका भी पावर सिक्स लेना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे हम कैसे एक्सपांड करेंगे एक्चुअली टू कॉस थीटा रेस टू सिक्स अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कॉस रेस टू सिक्स थीटा की और जब हम सॉल्व करेंगे ये वाला पर्टिकुलर हमें साइन वाला टर्म भी चाहिए नेक्स्ट टर्म है हमारा साइन रेस टू सिक्स थीटा तो हम क्या करेंगे हम ये वाला जो सम है ना टर्म है ना इसे रेस टू सिक्स कर देंगे ताकि हमें क्या मिले

<laughs> सबसे पहला स्टेप है हमारा ये वाला अब ना ये जो पर्टिकुलर थी ना ये जो आपको दिखाई दे रही है इसे भी आपको बाइनोमियल से सॉल्व करना है सो प्लीज प्लीजेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे तो टू टू थीटा हमें मिल गया वेरी इजीली इसके ऊपर सिक्स है पावर कितनी है सिक्स है तो बायोनॉबिल लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिक्स जीरो हमारा पहला टर्म होगा फर्स्ट टर्म का हाइएस्ट और जो फर्स्ट सेकेंड टर्म है वो रेस टू जीरो वन ही हो जाता है तो वो हट गया पास्कल ट्राइंगल याद रखना for six, one, six, 15, थोड़ा सा गैप रख के लिखती हूँ वो क्या होती है ये होता है हमारा पास्कल ट्रायंगल फॉर सिक्स और हमें क्या करना है क्या होगा सिक्स रेस टू फाइव वन अपॉन एक्स एक से पावर इसकी बड़ी। नेक्स्ट टर्म क्या होगा से पावर और बड़ी इसकी डिक्रीज हुई नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट right? क्या होगी प्लस थ्री फोर से पावर बड़ी इसकी कम हुई प्लस x वन अपॉन एक्सरे नेक्स्ट क्या होगा प्लस तो हो सिक्स तो हो कुछ चीजें जैसे कि यहाँ से एक एक्स कट गया यहाँ पे क्या बचा एक्सरेस टू फोर यहाँ से दो कटा यहाँ पे क्या बचा एक्सरेस टू टू यहाँ से दोनों हमारे चले गए <laughs> सॉरी दोनों टर्म्स हमारे चले गए ओके okay, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे पावर हो जाएगी टू डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपकी पावर हो जाएगी फोर और यहाँ पे क्या होगा टू ही बचेगा फिर उसके बाद हमें वैल्यूज डालनी है जो जो हमारे C की वैल्यूज है सबसे पहली होगी वन टू से एज इट इज होगा तो एक्सरेस टू सिक्स प्लस सिक्स नेक्स्ट टर्म क्या है एक्सरेस टू फोर नेक्स्ट प्लस फिफ्टीन एक्सरेस टू टू प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास प्लस ट्वेंटी वहां पे कुछ भी नहीं है तो वो प्लस ट्वेंटी एज इट इज रहेगा नेक्स्ट प्लस फिफ्टीन अपॉन एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा है नेक्स्ट टाइम प्लस सिक्स अपॉन एक्स एक्सरेस टू फोर नेक्स्ट क्या है प्लस वन अपॉन एक्स एक्सरेस टू सिक्स इसे हम अब यहीं पर रहने देते हैं हमें पता है इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप, आप बढ़ा सकते हैं लेकिन ऐसे ही रहने दो इसकी ये क्या मिला टू रेस टू सिक्स कॉस रेस टू सिक्स थीटा इसकी वैल्यू हमें मिल गई इसे एक साइड में हम रख देते हैं क्योंकि इसे हमें यूज करना है ओके okay? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि हमें कैसे निकालना है टू आई साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये वाला हमें एक आंसर मिला था हमें क्या करना पड़ेगा इसका पावर सिक्स लेना पड़ेगा ताकि हमें साइन रेस टू सिक्स अब यहाँ पे क्या हो जाएगा <coughs> six, I six, six, अब आई रेस टू सिक्स की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है आई रेस टू फाइव इन टू आई अब आई रेस टू फाइव की वैल्यू क्या होती है आई होती है तो ये क्या हो जाएगा आई इन टू आई I into I, मतलब I square, I square हो जाएगा जाएगा यानी कि तो यहाँ पे क्या आ ओके okay? समझ में आया इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस वन होती है तो माइनस वन को हमने यहां पे एडजस्ट किया बाद में हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे बट फिलहाल यहां पे देखो

नीचे लिखती हूँ वहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास माइनस सिक्स टू थ्री वन अपॉन नेक्स्ट टर्म प्लस एक्सरेज टू टू वन अपॉन नेक्स्ट माइनस सिक्स एक्सरेज टू वन तो एक्स सी बचा वन अपॉन एक्सरे टू फाइव नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस सिक्स एक्स रेस टू जीरो यानी वन बचा वन अपॉन एक्स रेस टू सिक्स भले मैं रहूं या आप रहो कितने भी प्रोफेशनल हो जाओ कितना भी प्रैक्टिस कर लो बट देख देख के सम्स को सॉल्व करना देख देख के इन द सेंस ध्यान से देखना कि किसकी वैल्यू बढ़ रही है और किसकी वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे देखो चलो अब यहाँ पे से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा एक्सरेस टू फोर यहाँ पे दो एक्स कैंसिल होगा हो स्क्वायर बचा यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्न अपॉन एक्सक्स टू फोर और यहाँ पे as it is. अब हमें क्या करना है सी की डालनी है तो वो क्या है सबसे होता है सिक्स एक्सरेस टू फोर प्लस फिफ्टीन एक्स स्क् माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन अपॉन एक्स स्क्वायर नेक्स्ट माइनस सिक्स अपॉन एक्स रेस टू फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेस टू सिक्स ये हो गई हमारी वैल्यू फोर माइनस टू रेस टू सिक्स को लेटमस को मैं इस तरफ शिफ्ट करती हूँ वी डोंट नीड दिस माइनस तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस वन तो हम ये माइनस को क्या कर सकेंगे प्लस कर सकेंगे और बाकी सारी चीजें यहाँ पे साइंस क्या होंगी चेंज हो जाएंगी समझा साइंस क्या हो गई चेंज हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशन के मल्टीप्लाई माइनस वन कर दिया नाउ वी नीड इज कॉस रेस टू सिक्स रेस टू सिक्स तो हमें क्या करना पड़ेगा जो दो चीजें मिली है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा तो जब हम ऐड करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो टर्म है टू रेस टू सिक्स वो हमारे पास कॉमन है तो हम क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं और उसके बाद अब हमें ये दोनों टर्म्स को रिसीव करना है एंड देन लिखना है तो पहले मैं रिसीव कर लेती हूँ क्योंकि तो टाइम बचाना है हमें तो मैंने लिख लिए दोनों चीजों को लिख, लिख लिया क्या किया सबसे पहले जो पहली वैल्यू थी उसे लिखा उसके बाद बीच में हमारे पास एडिशन की साइन थी और, और यहाँ पे क्या था एज इट इज रिसीव करना है प्लस कर रहे हो तो बाकी सारी चीजें तो नॉर्मली रहेंगी फिर मैंने डायरेक्टली ये लिखा अब आप नोटिस करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव है ये पॉजिटिव नेगेटिव है जो चीजें बची है उसके ऊपर ऑपरेशन करो आपको क्या मिलेगा टू फोर ट्वेल्व एक्सरेस टू फोर प्लस ट्वेल्व अपॉन इतनी ही चीजें बची अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखो ट्वेल्व आप कॉमन कौम, ले सकते हो ये दोनों टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व एक्सरेज टू फोर प्लस वन अपॉन एक्सरेज टू फोर प्लस फोर्टी यहाँ पे हमारे पास क्या है टू रेस्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है कॉस्टरेज टू थीटा प्लस

फोर को फोर्टी है ट्वेल्व है फोर के मल्टीपल से तो हम क्या करते हैं फोर को कॉमन निकालते हैं सच दैट पे क्या बचेगा राइट right? हमने 4 को कॉमन निकाला बस इतना ही है 4 को कॉमन निकाला तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा फोर है यहाँ पे हमारे पास थ्री है और ये वापस लिखते हो कंफ्यूजन हो जाएगा ये हमने फोर को कॉमन निकाल दिया अब हमें पता है हमारे पास इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या मिली टू cos फोर थीटा मिली बताया था मैंने जस्ट बताया कैसे निकली थी टू cos फोर थीटा तो यहाँ पे टू इंटू हो जाएगा टू इंटू थ्री क्या होता है सिक्स होता है तो हमें क्या मिला सिक्स cos फोर थीटा हो गया सॉरी फोर थीटा सिक्स cos फोर थीटा प्लस टेन अब यहाँ पे देखो आपके पास टू रेस टू सिक्स है जो हमें वहां पे जरूरी नहीं है तो हम क्या करते हैं उससे यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos रेस टू सिक्स थीटा प्लस टू थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में टू रेस टू सिक्स थीटा इनडिरेक्टली हमारा फोर को हम कैसे लिखेंगे आपको क्या मिलेगा वन अपॉन सिक्सटीन इन टू सिक्स फोर थीटा प्लस टेन यहाँ पे देखोगे वापस आप यहाँ से टू से बाहर निकाल सकते हो तो ये क्या हो जाएगा थ्री कॉस थीटा थ्री कॉस फोर थीटा प्लस फाइव वन सा कर सकते हो ना क्या किया है प्लीज समझना eight, यहां से हमने क्या किया टू को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा हमारे थ्री कॉस फोर थीटा प्लस यहाँ से टू इंटू फाइव टेन होता है तो यहाँ पे हमने फाइव लिख दिया और फिर ये टू यहाँ पे सिक्सटीन था वन अपॉन एट थ्री कॉस फोर थीटा प्लस फोर सॉरी प्लस फाइव तो ये चीज हमें हमारे राइट हैंड साइड मिल गई काफी इजी क्वेश्चन था यूज क्या करना है हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन रीड करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली ना एक साल एक क्वेश्चन आया था कॉस रेस टू तो सिक्स थीटा माइनस साइन रेस टू तो सिक्स थीटा सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया प्लस किया है उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था माइनस पूछा है इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है वन अपॉन सिक्सटीन इन थीटा प्लस फिफ्टीन कॉस थीटा कैन यू डू दिस थिंग ऑफ कोर्स यस यू कैन डू बिकॉज फर्स्ट स्टेप कॉमन है आपको कहाँ चेंजेस आएंगे सिर्फ यहाँ पे हमने ऐड किया था वहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा साइंस जो थे ना सारे <coughs> यहाँ पे जो हमारे साइंस आए ना उन्होंने क्या बोला है सप्रैक्शन परफॉर्म करने बोल बोलिए तो जब आप सप्रैक्ट करोगे तो यहां पे सारी की सारी साइंस सारी की सारी साइंस चेंज होके अल्टरनेट साइंस ले लेगी ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस एंड प्लस फिर जो चीजें कैंसिल हुई है ना यहाँ पे वो चीज एक्चुअली नहीं कैंसिल होके कुछ और चीजें ये बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी तो कितना ईजी है यार यू कैन डू दिस थिंग आई एम डैम श्योर दैट यू कैन डू और एक और क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछा गया है कॉस रेस टू एट ठीटा प्लस साइन रेस टू एट ठीटा कैन यू डू दिस थिंग ऑफ कोर्स यस क्यों क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने पावर सिक्स लिया है आपको पावर क्या लेना है एट लेना है एंड आपको सॉल्व करना है एज सिंपल एज दैट बस एक बार नेट पे से पासकल ट्राइंगल uh, फॉर एट मैंने वो एट के लिए नहीं बताया सेवन के लिए बताया तो वो एक बार देख लेना यू कैन डू इसको प्रूफ क्या करना बताया एट रेस टू कॉस रेस टू एट थीटा प्लस साइन रेस टू एट थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सिक्सटी फोर कॉस एट थीटा प्लस ट्वेंटी एट कॉस फोर थीटा प्लस थर्टी फाइव ये आया है ट्वेंटी लाइक ट्वेंटी इलेवन में आई थिंक सो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डैम श्योर sure आप सब ये क्वेश्चन कर लोगे काफी ईजियर साइड के क्वेश्चन है इतना कुछ है नहीं इसके लिए मैंने एक सैंपल क्वेश्चन ऐसा लिया कि आपको आ जाएगा यहाँ तक हो गया हमारा अब हम आए हमारे नेक्स्ट या फिर लास्ट टॉपिक के ऊपर दिस इज रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या देखना है रूट्स देखना है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एंड ये हम कैसे निकालेंगे हमारा डी डिमोवे थियर जो है वो हमें अलाउ करता है रूट्स निकालने के लिए ओके तो रूट्स निकालने के लिए हम डी डिमोवेसरम यूज करेंगे जहां पे हमारा थीटा की वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है वो हम क्या लिखते हैं टू के पाई प्लस थीटा टू के पाई प्लस थीटा यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो हमारे इंटीजर्स है जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसे जीरो वन टू थ्री होल नंबर में आता है हमारे एन रूट्स के ऊपर रिजल्टेंट है वैसे हमारा साइन थीटा थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस थीटा बस इतना ध्यान देना ओके okay? और फिर हम हमारा डिमोवियस हैं इसके ऊपर वन अपॉन एन है देखो यहाँ पे वन अपॉन एन है यानी कि माइनस एन है तो आप इसे कैसे सॉल्व सॉरी वन अपॉन एन है माइनस एन है सॉरी वन अपॉन एन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू सबसे पहले तो आप सब्सिट्यूट करोगे इसके अंदर थीटा थीटा की वैल्यू क्या ली थी हमने टू, ए, टू के पाई प्लस थीटा और यहाँ पे भी टू के पाई प्लस थीटा, एन है जब हम डिमोवे थ्योरम लगाते थे फॉर एन तो हम कैसे लिखते अगर इसे एन के लिए लगाना होता तो यहाँ पे सिर्फ एन मल्टीप्लाई हो जाता राइट हर हाँ जगह पे एन एन आ जाता लेकिन यहाँ पे वन अपॉन एन बोला है ना तो वन अपॉन एन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे देखो सिर्फ क्या हो जाएगा वन अपॉन एन था तो वो अब पॉन में आ जाएगा मतलब नीचे आ जाएगा पॉन में नहीं डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो कॉज टू के पाए प्लस थीटाई साइन टू के पाए थीटा अपॉन एन।, एन काफी इजी है रूट्स निकालने के लिए काफी इजी थिंग है ये फिर उसके बाद है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ इसके अंदर ये निकालने के बाद ना इसके बाद आपको जितने भी रूट्स बोले उन्होंने थ्री रूट्स फाइव रूट्स सिक्स रूट्स जितने भी रूट्स बोले तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यूज इधर एन की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से अगर एन की वैल्यू सिक्स है तो आपको सिक्स रूट्स मिलेंगे उस हिसाब से तो जीरो uh, के की वैल्यू आप डालोगे जीरो फिर वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव ऐसे करके आपको रूट्स अपने आप मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ कोरोलरीज दी गई है आपको तो मैंने एज इट इज लिख दी यहाँ पे आप देखो कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है कॉस अगर ये जीरो हो गया हमारा आई साइन जीरो है ना

एज सिंपल एज दैट नेक्स्ट अगेन वहीं पे सेम चीज आ रही है और यहां पे हमारा पाई बाय फोर पाई बाय फोर के साथ आ रहा है ये वैल्यू डिग्री के साथ तो प्लीज़ मेक कि इतनी इजी चीज है आई थिंक बट लिखी थी तो मैंने बोला यू शुड नॉट मिस दिस थिंग अब हम चलते सॉल्व करना है तो सॉल्व दिस क्वेश्चन नोट्स पे चलते हैं अपने <coughs> सॉरी है? तो अब मैंने जस्ट आपको माइनस वन के लिए बताया था वन सेकेंड जस्ट माइनस वन के लिए आपको क्या बताया था माइनस वन कब होता है जब कॉस पाए प्लस आई साइन पाए हो चलो चले क्या होगा कॉस पाए प्लस आई साइन पाए जब ये पर्टिकुलर थिंग होती है तब हमारी माइनस वन की वैल्यू आती है क्यों आती है क्योंकि कॉस माइनस कॉस पाई की वैल्यू uh, क्या होती है इस साइड हमारे पास माइनस वन होती है इसके लिए और वो तो जीरो हो जाएगी हमने ये लिख दिया अब आप क्या कर सकते अब आपको पता है कि आपको वहां पे कैसा था वो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस टू के पाए प्लस थीटा इस फॉर्मेट में अब आप आपको लिखना है रूट्स निकालने के लिए रूट्स निकालने ना रूट्स निकालने बोले तो आपको ये यूज करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास क्या है पाएगा कॉस टू के पाए प्लस पाए जस्ट पुट थीटा की वैल्यू तो सेम हम साइन के लिए भी करेंगे तो अस राइट एक्सरेस टू सिक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाए सॉरी कॉस टू के पाए प्लस पाए प्लस आई साइन टू के पाए प्लस पाए समझा जस्ट हमने क्या किया हमारा जो एक्चुअल फॉर्मेट था ये वाले फॉर्मेट में लिखने के लिए ये सारी चीजों को कर दिया अब यहां से आप पाई को कॉमन निकाल सकते हो तो ये क्या हो जाएगा लेट अस डू यहाँ पे अभी एक्स थ्रीज टू सिक्स है तो वो उस तरफ जाएगा तो ये पूरे ब्रैकेट को इनवर्स में माइनस तो हो जाएगा अरे सॉरी वन अपॉन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वाज इक्वल्स टू टू है तो हम क्या लिखते हैं x इक्वल्स टू रूट ऑफ टू राइट तो ये क्या हो जाता है x इक्वल्स टू 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 रेज वन इस फॉर्मेट में हो जाता है ना तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे सेम एक्सैक्टली exactly. x रेज टू सिक्स है तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा कॉस टू के पाए प्लस पा प्लस आई साइन टू के पाए प्लस पा रेस टू वन बाय सिक्स रेस टू वन बाय सिक्स यहाँ पे से आप पाई, पाई कॉमन पाई पाई निकाल सकते हैं सो तो सॉरी तो पाई पाई अगर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में क्या मिलेगा वो देख लेते हैं तो ब्रैकेट्स में मैंने पाई को कॉमन निकाला तो टू के प्लस वन बचा यहां से भी पाई को कॉमन निकाला तो टू के प्लस वन बचा अब आपको एक्चुअल फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिखाई देगा था ना डिमावेस थ्योरम आप लगा सकते हो जस्ट मैंने बताया यहाँ पे 1 by n के फॉर्मेट में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा तो बाय डिमावेस थ्योरम x is equals to सिर्फ डिनोमिनेटर में आ जाएगा ज़्यादा कुछ नहीं है five two k plus one by six plus i sine five two k by two k plus one by अब आपको इन्होंने क्या कहा है कि सिक्स जब उसका ऑर्डर सिक्स है तब आपको वैल्यूज निकालनी है यानी कि आपकी जो के की वैल्यू के की वैल्यू एक एक करके सब्सिट्यूट करके हमें रूट्स मिलते हैं तो के की वैल्यू कहाँ से आएगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव क्यों सिर्फ फाइव तक आएगी वो भी बता देती हूँ ऑर्डर तो सिक्स है मैम फिर फाइव तक क्यों लिखा क्योंकि ऑर्डर सिक्स है रूट्स कितने होंगे

यहां पे है तो ये तो तो है 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 अब मुझे के ऊपर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? क्या साइन थर्टी डिग्री क्या होती यानी डिग्री डिग्री होता है? होता होता तो होता आपको फर्स्ट रूट क्या मिला आपका रूट थ्री बाय टू प्लस आई वन बाय टू अब नेक्स्ट क्या करके सब्सिट्यूट करोगेज करके करूँ क्या हेट पे नहीं चलो नीचे लिखती हूँ लेकिन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होगा

तो मुझे बताओ कॉस पाई बाय टू क्या होता है जीरो होता है लेकिन हमारा साइन पाई बाय टू क्या होता है one होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस आई इंटू वन दिस तो हमें क्या वैल्यू मिली आई वैल्यू मिली यानी आई हमारा रूट है नेक्स्ट रूट क्या होगा पुट करो के इज इक्वल्स टू टू यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस फाइव बाई सिक्स टू के प्लस वन के की वैल्यू क्या है टू तो टू इंटू टू फोर फोर प्लस वन फाइव ये क्या होगा Pi by plus i sin pi by अब आप मैं, मैं, मैं pi by के लिए pi by की वैल्यू नहीं पता हो सकता है तो आपने एक चीज में पढ़ी थी हम क्या कर सकते हैं इसे एडजस्ट कर सकते हैं सच तो ये क्या हो जाएगा इसको इक्वलाइज करोगे डिनोमिनेटर को क्या होगा सिक्स पाए माइनस फाइव हो गए Pi minus, pi अब है तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते वो रहता है और ये क्या हो जाएगा, I side, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे six, sorry, है। कि हम कौन से में जा रहे हैं जा रहे हैं तो इसके लिए हमारा कॉस क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी माइनस ऑफ रूट थ्री बाय टू कॉस थर्टी डिग्री सॉरी प्लस

क्यों किया ऐसा इसको करोगे सिक्स प्लस फाइव हो जाएगा वॉट इज सिक्स फाइव सिक्स फाइव पाए तो सेवन फाइव बायस अब हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज भी नेगेटिव होता है साइन भी नेगेटिव होता है सिर्फ टेन वाला टर्म होता है पॉजिटिव तो so, ये क्या हो जाएगा और चेंजेस तो होने नहीं है जब फाइव बाई टू होता है तब चेंज होता है यहाँ पे क्या आएगा प्लस सॉरी माइनस सॉरी सॉरी

Nine by six. अब ये nine को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा क्या टर्म इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे nine आ जाएगा आपको थ्री पाई टू होगा तब होगा ना वो one जा सॉरी टू जा, जा, जा इस टाइप से थ्री के टेबल में आते हैं ना दोनों तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस मुझे लगा बंद हो गया प्लस आई साइन थ्री पाए बाय टू अब मुझे बताओ थ्री पाई बाई यानी 270 डिग्री तो 270 डिग्री के ऊपर हमारा कॉस क्या होगा यहाँ पे हमारा कॉस पाई बाई टू पे जीरो होता है तो 270 पे क्या होगा ऑफकोर्स जीरो ही होगा तो ये तो टर्म जीरो हो गया प्लस हमारा साइन 90 डिग्री पे वन होता है तो 270 डिग्री पे माइनस वन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस आई इंटू माइनस तो आपको क्या मिलेगा माइनस मिलेगा

दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज जो भी पर्टिकुलर मिला ना इतना सारा आपको रूट थ्री बाई टू कुछ 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 मिला ना ये सारे क्या है आपके रूट से तो इसी प्रकार से एक साल एक क्वेश्चन पूछा गया था लेट मी नो यू ऑल दैट वॉज एक्सरेस टू सिक्स प्लस आई इज इक्वल्स टू जीरो सॉल्व कर सकते हो

आई हो जाता एट दैट इंस्टेंस आप ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते थे तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं सिमिलर टाइप ऑफ ज्यादा कुछ तो है नहीं आपको एक्चुअली यही क्वेश्चन आया था में तो आपको क्या हो जाएगा एक्सरेस टू सिक्स इक्वल टू आई तो आपको ये वाला पर्टिकुलर सब्सिट्यूट करके आपको आपके आंसर मिल जाते हैं फिर इसके बाद यही टाइप के क्वेश्चन है मेजोरिटी यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है आप सभी को एंड जो निकालना है वो भी यही है अब हम देख लेते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पीवाई क्यूज में सेवन तो है फॉर्मूला से से जब आप लगाओगे तो दैट इज इक्वल थीटा राइट तो इससे आपको पावर क्या लेना पड़ेगा सेवन पावर लेना पड़ेगा और एक्स माइनस वन अपॉइंट एक्स को एक्सटेंड करना है सेवन सेवेंथ वाला ट्रायंगल लगाओगे के वैल्यूज यूज करके इजी कुछ है भी एक बार क्वेश्चन दो तीन है, है मैंने अभी जस्ट बताया सेमस टू फाइव थीटा वाला इक्वल्स टू आपको वो चीज प्रूव करनी है फाइव वाला यूज करना हाँ इसमें आपको कुछ चीजों को एडजस्टमेंट करनी है जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और एक ये एक्सप्रेस टू फाइव इक्वल्स टू वन प्लस तो वन प्लस आई के लिए मैंने आपको बताना पाई बाय फोर वाला जो फॉर्मूला था वो जो बॉक्स के अंदर फॉर्मूला दिख रहा था वो वाला फॉर्मूला यूज करना है लेकिन रूट्स निकालने के साथ साथ इन्होंने कहा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे एक्चुअली हम प्रोडक्ट नहीं करते बैठते हमें जो भी आंसर आता है वो कैसा आता है cos सीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्मेट में आता है ना सारे आंसर्स अगर यहाँ पे छाइव बोला है यानी फाइव रूट्स आपको मिलेंगे जीरो वन टू थ्री फोर इतने के की वैल्यूज डालोगे तो आपको रूट्स मिलेंगे आपको इस फॉर्मेट में रूट्स मिलेंगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले थीटा जो है ना सारे थीटास सारे रियल पार्ट्स आपको लेने हैं सारे थीटास को आप क्या कर सकते हैं सबमिशन कर सकते हैं जितने थीटास है सबको वैल्यू ऐड करो यू विल गेट वन पर्टिकुलर वैल्यू फॉर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के लिए भी ऐसे ही करो आई कॉमन निकाल दो साइन थीटा है ना तो थीटा की सारी वैल्यूज जितनी भी होगी सबको एड करके एक वैल्यू क्रिएट करो जैसे कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ना जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट थीटा की वैल्यू टू बी बीक्वल्स टू वन अंट ट्वेंटी प्लस नाइन फाइव बाई ट्वेंटी प्लस सेवेंटीन फाइव बाई ट्वेंटी तो ऐसे करते करते यू विल गेट फाइनल आंसर एज है ऐसा आंसर मिलता है इसका तो फिर आप यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू डालोगे तो व्हाट इज़ कॉस फोर पाई बाय पाई बाय फोर तो ऐसे एडजस्टमेंट करके प्रोडक्ट निकालते हैं एक्चुअली प्रोडक्ट मत निकालते बैठना ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आई थिंक सो लेक्चर्स में लिया है सो प्लीज़ चेक दैट क्वेश्चन आउट ये नोट्स आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगी जैसे भी पॉसिबल होगा ऑन टेलीग्राम और एनीथिंग एल्स और हाँ बहुत लोग पूछते फॉर माई सोशल मीडिया आई डोंट यूज एनी सॉर्ट ऑफ सोशल मीडियाज आई जस्ट यूज यूज़ यूट्यूब फॉर यू ऑल दैट्स सॉल्व तो कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट ऑन मिलो और यहाँ पर हम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे कम्प्लीट करते हैं वन शॉर्ट वीडियो इट्स अप्रोक्स वन पॉइंट थर्टी ओके नेक्स्ट जो वन शॉर्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा होप्सो हाइपबोलिक एंड हमारा लोगार उदम के ऊपर सो स्टेट विद प्रदीप गिरी अकेडमी वी विल अपनी मोर वीडियोज फॉर यू ऑल बिकॉज वी आर कंसर्न फॉर यू ऑल द मच यू आर कंसर्न फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओके टिलन टेक केयर ऑफ योरसे नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय